किसी भी चित्र में किसी भी लाइन में घमंड करना अभिमान करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक से बढ़कर एक रह गया। एक बार धरती माँ को घमंड हुआ कि पूरी दुनिया मेरे ऊपर टिकी हुई है, अर्थात मैं बड़ी हूँ। लेकिन जब धरती माँ को जवाब आया एक से बढ़कर एक, तो धरती माता झुक गई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। धरती कह मैं बड़ी तो तू शेष नाग पे क्यों पड़ी, शेष नाग कह मैं बड़ा तो तू शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कह मैं बड़ा तो तू कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा, कैलाश पर्वत कह मैं बड़ा तो तू रावण के आगे क्यों पड़ा, रावण कह मैं बड़ा तो तू बाली की कांख में 6 महीने तक क्यों पड़ा, बाली कह मैं बड़ा तो तू राम के बाणों से क्यों मरा, राम कह मैं बड़ा तो तू भक्तों के बीच में आकर के क्यों खड़ा, भक्त कह मैं बड़ा तो तू राम के सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़ा, ना भक्त बड़ा ना राम बड़ा, ना भक्त बड़ा ना राम बड़ा, इस दुनिया में है सबसे बड़ा राम का नाम बड़ा। इस भजन में राम के नाम को बड़ा बता दिया, ऐसी क्या खासियत है राम के नाम में, है कोई खासियत, कौन सी खासियत? जिनके नाम से तिर गए पत्थर रे मेरे राम, जिनके नाम से पत्थर तिर गए, इसलिए राम का नाम बड़ा है। सुनेंगे इस भजन को। जिनके नाम से तिर गए पत्थर मेरे राम, जिनके नाम से तिर गए पत्थर उनका मोटा काम, राम से बड़ा राम का राम, राम से बड़ा राम का राम, राम से बड़ा राम का नाम। बड़ा राम से नाम जगत में, बड़ा राम से नाम जगत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। एक नामी को चिंता रहती रे, एक नामी को चिंता रहती, एक नामी आदमी को हमेशा जीवन में यही चिंता रहती है कि मेरे द्वारा जनित में कोई गलत काम ना हो जाए जिससे कि दुनिया मुझसे बुरा कहे। नामी आदमी कहते हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, ये हमेशा जनता के हित के लिए होते हैं, राष्ट्र के हित के लिए होते हैं। जब इनकी ये सोच रहती है तो भगवान भी कब चाहते हैं कि मेरे द्वारा भी जनहित में कोई गलत काम हो और मेरी बुराई हो। कौरव पांडव की भरी सभा में जब द्रौपदी का शिरहरण होने लगा, द्रौपदी ने जो ही भगवान राम का शाम का स्मरण किया तो कितनी अच्छी लाज मचाई भरी महफिल में। एक नामी को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम मेरा, नाम न हो बदनाम मेरा, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा रे, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा दौड़े आए भगवान राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिनके नाम से तिर गए पत्थर, जिनके नाम से तिर गए पत्थर उनका मोटा काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा।
भगवान राम की मां कौशल्या सभी देवी देवताओं से मन्नत मांग रही है। देवी देवताओं, मेरे बेटे राम ने रावण को मारने के लिए सीता जी को वापस लाने के लिए लंका पे चढ़ाई कर दी है। देवी देवताओं, मेरे बेटे राम को ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो कि राम रावण से युद्ध जीत करके और सीता जी को लेकर किसे कुशल अयोध्या में आ जाएंगे तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। उस खुशी में मैं तरह तरह के ऐसे आयोजन करूंगी जो आज आप सब इस मंदिर में कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सभी देवी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद मिला और भगवान राम ने युद्ध जीता, रावण से सीता जी को लेकर के अयोध्या में आ गए तो कौशल्या की मन्नत पूरी हो गई। भाई साहब, तो इस प्रकार का सत्संग करवा रही है, अन्याय जिमा रही है। इसी खुशी में कौशल्या धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए चल देती है तो रास्ते में कौन मिल गई? हनुमान जी महाराज की माँ अंजनी मिल गई कौशल्या। अंजनी के सामने दोनों में रामा श्यामा हुई और कौशल्या ने अंजनी के सामने बेटे राम का प्रसंग छेड़ दिया और बार बार बेटे राम की बड़ाई कर रही है। बहुत देर हो गई। अंजनी कहने लग रही, कौशल्या तू इतनी बड़ाई कर रही है तेरे बेटे राम की, तेरे बेटे राम ने ऐसा दुनिया में क्या काम कर दिया जो तू इतनी बढ़ चढ़ करके बड़ाई कर रही है? कौशल्या कहने लगी रही अंजनी, मेरे राम ने दुनिया में इतने काम कर दिए, कहां तक गिनाऊं। लेकिन अंजनी कहने लगी, सारे काम मत गिना, तू तो वो काम बता, सबसे मोटा काम तेरे बेटे राम ने क्या किया जिस पे तुझको गर्व है। कौशल्या कहने लगी कि सबसे मोटा तगड़ा काम मेरे बेटे राम ने समुद्र के ऊपर पुल बनवाने का काम मेरे बेटे राम ने करवाया, ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं, इस पर मुझे गर्व है। अंजनी कहने लगी, कौशल्या तेरे बेटे राम ने तो लंका पे जाने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनवाया, तब लंका पे पहुंचा। मेरे बेटे हनुमान को देख जो कि बिना पुल के ही एक बार नहीं है समुद्र को लांड के दो बार लंका में जाए और वापस आ गए। कौशल्या तेरे बेटे राम से तो मेरा बेटा हनुमान बड़ा है, लेकिन मैंने आज तक मैंने मेरे बेटे हनुमान की बड़ाई नहीं करी। कौशल्या चुप हो गई, बात तो सही है, मेरे बेटे को पुल बढ़ाना पड़ा और इसका बेटा बिना पुल के ही दो बार लंका में जाए, एक से बढ़कर कहेंगे भाई साहब दुनिया। इस बात का फैसला कराने के लिए अंजनी ने कही कि अभी मैं हार नहीं मानूंगी, कोई विद्वान ऋषि मुनियन के पास में चलते हैं, वहां इसका फैसला करेंगे। तो कहां पहुंच गए दोनों के दोनों? अगस्त मुनि के पास, वो भी विष्णु भगवान के अवतार थे, कम चीज नहीं थी। वहां उनकी घरवाली मिल गई, साथ उनकी घरवाली से रामा श्यामा हुई, बड़ा आदर सत्कार किया उस घरवाली ने और कहने लगे, देवियों आज कैसी आई? दोनों ने अपनी अपनी बात रखी कि इसलिए आई है कि कौशल्या तो कह रही है कि मेरा बेटा राम बड़ा है और अंजनी कह रही है कि मेरा बेटा हनुमान बड़ा है और जिक्र समुद्र का है। अब आप बताइए कौन का बेटा बड़ा है? अगस्त मुनि की घरवाली कहने लगी कि तुम्हारा दोनों का ही बेटा बड़ा नहीं है, तुम्हारा बेटा हमसे तो बड़ो मेरे पति है, क्योंकि सारे समुद्र के पानी को तीन आंदड़ान में पी गए और फिर भी प्यासों को। दोनों के दोनों चुप हो गई कि अपना बेटा तो यही को पति बड़ो जो कि सारे समुद्र के पानी को तीन सड़ों में पी गए, एक से बढ़कर के एक। अब पूरी टीम अयोध्या में आ गई। अब कौशल्या अपने बेटे राम से कह रहे, बेटा राम मैं तो दुनिया में तो कोई बड़ो माने लेकिन तो से बड़ो हनुमान और हनुमान से बड़ो अगस्त मुनि, ये क्या लीला है? भगवान राम कहने लगे कि माँ ये हनुमान से पूछो, जब इसने लंका में जाने के लिए उड़ान भरी तो ये कैसे सफल हुआ? तो हनुमान जी से पूछी गई तो हनुमान जी ने कहा कि जब मैंने उड़ान भरी लंका में जाने के लिए तो सबसे पहले मैंने राम जी का नाम लिया, उनको उच्चारण किया, उनका स्मरण किया, तो राम की कृपा से मेरे अंदर इतना जोश और बल आ गया कि मैं एक पक्षी की तरह आसानी से उड़ता हुआ चले गया और वापस आ गया। इसी प्रकार अगस्त मुनि से पूछे कि महाराज कोई दो मटके पानी ना पी सके,
सारी समुद्र के पानी को तुम तीन चरणों में भिगो गए, तुम्हारी क्या लीला है। अगस्त मुनि ने यही कहा कि मैंने भी पानी को पीने से पहले राम जी का नाम लिया, तो राम की कृपा से मुझे इतनी प्यास लगी, मैं आसानी से तीन चरणों में पानी को पी गया। इसलिए भगवान राम करेंगे माँ मैं नहीं दुनिया में बड़ा, मेरा दुनिया में नाम बड़ा, इसलिए कहा क्या। जिस सागर को बिना सेतु के, बिना सेतु के, बिना सेतु के, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके नहीं राम, अरे लांग सके नहीं राम, लांग सके नहीं राम, लांग सके नहीं राम। कोई सागर हनुमान ने लांगा, कोई सागर हनुमान ने लांगा, लेके राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, जिनके नाम से तिर गए पत्थर, जिनके नाम से तिर गए पत्थर, उनका मोटा काम, राम से बड़ा राम का राम, राम से बड़ा राम का नाम। हरे राम राम राम, 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 हरे राम राम राम। जिनके नाम से गिर गए पत्थर, उनका मोटा काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तीसरा प्रमाण, रावण की घरवाली मंदोदरी अपने पति रावण से कहने लगी, उमी भाई दे पति देव, महल के ऊपर चढ़ के देखो, जिस राम जी से तुम लड़ने की तैयारी कर रहे हो, उस राम जी की सेना में बंदर भालों के हाथों से जो मोटे मोटे पत्थर समुद्र में पानी में जो गिराए जा रहे हैं, वो सारे पत्थर पानी में तैर रहे हैं दौलत जी। अरे पति देव, जिनकी सेना में बंदर भालू के हाथों से पत्थर तैर रहे हैं, तुम सोचो समझो अंदाजा लगाओ पति देव, कि उनका मालिक उनका स्वामी कितना ताकतवर होगा। सीता जी को वापस भेज दो, राम जी से क्षमा मांग लो, माफी मांग लो पति देव, उसी में अपनी भलाई है, वरना मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद अपनी अब उल्टी गिनती चालू है। रावण कहने लगे, मंदोदरी क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही है, क्या तुम मुझे बलहीन समझ रही है मंदोदरी, तुझे पता नहीं जो जो काम दुनिया में राम कर सकते हैं, उस काम को ये रावण भी कर सकता है। मंदोदरी किस बात की चिंता कर रही है। मंदोदरी कहने लगी, महाराज उधर सौ सौ मन के पत्थर पानी में तैर रहे, तुम तो मुझको 100 ग्राम का पत्थर पानी में तिरा कर बता दो, मैं तुम्हारी ताकत को मान जाऊंगी। रावण ने कहा, अरे मंदोदरी अभी दिखाता हूँ मेरी ताकत, चल। तो मंदोदरी को साथ लेकर के रावण समुद्र के किनारे आए और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भाई साहब कैसे, एक छोटा सा पत्थर रावण ने उठाया और अपने मुख के सामने लाके कुछ मंत्र बोल के पानी में छोड़ा, वो पत्थर महाराज पानी में तैर गया। दूसरे पत्थर को रावण ने उठाया और बिना मंत्र बोले पानी में छोड़ा, तो वो पत्थर पानी में डूब गया। मंदोदरी कहने लगी, रे पति देव, महाराज एक पत्थर पानी में तैर गया, एक डूब गया, मेरे समझ नहीं आई ये क्या लीला है। रावण कहने लगे, रे मंदोदरी तुझे पता है मैंने पहले पत्थर से क्या कहा, गुप्त मंत्र बोले थे, पहले पत्थर से मैंने क्या कहा मंदोदरी, क्या कहा मारा, पहले पत्थर से मैंने ये कहा, रे पत्थर तुझको राम की सौगन है तू ये पानी में नहाते रहता हो, और दूसरे पत्थर को मैंने राम की सौगन नहीं दुआ इसलिए वो पानी में डूब गया। कितने अच्छे अपने राम हुए हैं अपने देश में, जिनकी दुआएं पक्के दुश्मन रावण के वहां भी काम कर रही है। आज इस सत्संग के माध्यम से गुरु विश्वकर्मा भगवान के
चरणों में अपन तो यही कहेंगे, इनसे यही अरदास करेंगे कि अपन को अगला जीवन भी कोई ऐसे क्षेत्र में ऐसी महफिल में मिले ताकि सत्संग कथा भागवत आदि अपन को सुनने और देखने के लिए मिले, अपने ऐसे महफिल में बैठे। उधर श्री राम जी ने सोचे कि पूरी सेना मेरे हित के लिए काम कर रही है पुल बनाने का, अरे मैं मालिक हूँ, थोड़ा बहुत तो काम मुझको भी करना चाहिए। लेकिन श्री राम जी ने सोचे कि आज तक कोई पत्थर मैंने पानी में डाला नहीं, सेना के सामने अगर मैंने पत्थर पानी में डालना शुरू कर दिया और पत्थर डूब गए तो पूरी सेना मेरी हाँसी करेगी, रे राम तुझसे रावण मरने वाला नहीं है क्योंकि तेरे हाथ से यही पत्थर पानी में डूब रहे हैं। तो भगवान राम ने सोची कि मैं एकांत में जाकर जहाँ कोई नहीं मैं ट्राई कर लेता हूँ मेरे हाथों से पत्थर तैरते हैं या डूबते हैं। तो भगवान राम एकांत में समुद्र के किनारे जाकर के और अब अभ्यास कर रहे हैं, कई पत्थर भाई साहब उठाए भगवान राम ने और पानी में छोड़े तो सारे पत्थर पानी में डूब गए। भगवान राम बड़ी चिंता में है और खड़े होकर के चारों तरफ देख रहे हैं कि पत्थर तो डूब गए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। तो जो ही भगवान राम ने पीछे मुड़ करके देखा तो हनुमान जी महाराज श्री राम जी के पीछे खड़े खड़े सारे नजारे को देख रहे हैं। भगवान राम को बड़ी चिंता हुई, रे हनुमान यहाँ कोई नहीं था और तुम कहाँ से आ गए और आपने कुछ देखा तो नहीं, रे हनुमान। हनुमान जी ने कही, रे भगवान मैंने मेरी आंखों से आपकी पूरी फिल्म देख ली है, आपके हाथों से सारे पत्थर पानी में डूब गए। श्री राम जी कहने लग रहे, हनुमान ये बात सेना में मत बताना किसी को वरना मेरी हंसी करेगी सेना, मत बताना किसी को। लेकिन हनुमान तू एक बात बता, उधर सेना के हाथों से बंदर वालों के हाथों से पत्थर क्यों तैर रहे हैं और ये मेरे हाथों से पत्थर क्यों डूब रहे हैं। भगवान राम को हनुमान जी बता रहे हैं कि हे करुणा निधान कृपा के सागर, जिस वस्तु को आपने उठा करके अपने हाथों से संसार से छोड़ दिया, भला संसार में कौन है जो उसको तिरा सकता है। दूसरी बात, वो पत्थर इसलिए तैर रहे हैं भगवान कि गुरु मुनिंद्र महाराज के दो शिष्य हैं जिनका नाम है नल और गुरु विश्वकर्मा जी का आदेश पुल बनाने का, इसलिए हर पत्थर पर नल और नील के द्वारा राम लिखा जा रहा है और सेना उन पत्थरों को पानी में डालने का काम कर रही है प्रभु, इसलिए वो पत्थर पानी में तैर रहे हैं। इसलिए कहा क्या, वो अभिमानी कोई अभिमानी डूब जाएंगे जिनके घट नहीं रहा, जिनके घट नहीं रहा, जिनके घट नहीं रहा, जिनके घट नहीं रहा, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे जिन पे लिखा हो राम राम से बड़ा राम का राम राम से, जिनके नाम से तिर गए पत्थर, जिनके नाम से तिर गए पत्थर उनका मोटा काम राम से बड़ा राम का राम राम से बड़ा राम का नाम बड़ा राम का नाम जगत में यही आएगा तेरे काम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का। अंतिम कड़ी में बताया कि जहां भी सत्संग कथा भागवत धार्मिक आयोजन हो हमको जाकर के ऐसे प्रोग्राम में मेन मेक नहीं लगाना चाहिए और शांति से बैठ करके उस प्रोग्राम को हम सुन ले, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य बताया है। जैसे आज जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, कुछ ही भक्तों ने शायद यहाँ पैसे खर्च किए व्यवस्था की, अरे और भक्तों का यहाँ बैठ करके सुनने में जा क्या रहा है,
बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, जिन्होंने एक रुपया भी नहीं दिया लेकिन बैठ करके सत्संग को सुन लिया, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। कहीं भी बेमतलब के मेल में नहीं लगाए। और अपने हिंदू धर्म में सत्संग कथा भागवत बहन बेटी मंदिर जहां कहीं भी हम जाएं तो चाहे एक रुपये का दान करें लेकिन दान करना भी अनिवार्य अपने हिंदू धर्म में। इसलिए अंतिम कड़ी में कहा राम नाम का सुमरण कर ले, सुमरण कर ले, सुमरण कर ले रे, राम नाम का सुमरण कर ले, कौड़ी लगे ना दाम, तेरा कौड़ी लगे ना दाम, कौड़ी लगे ना दाम, तेरा कौड़ी लगे ना दाम। राम नाम का सुमरण कर ले, कौड़ी लगे ना दाम बावरा, कौड़ी लगे ना दाम, तेरा कौड़ी लगे ना दाम, तेरा कौड़ी लगे ना दाम। राम नाम की डोरी बंद कर, राम नाम की वाणी सुन कर, आएंगे भगवान राम से बड़ा राम का नाम, राम से जिनके नाम से तिर गए पत्थर, जिनके नाम से तिर गए पत्थर, उनका मोटा काम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरे राम जी के भजन में सभी बोलेंगे इस गायत्री मंत्र को बड़ा लाभदायक ऐसे प्रोग्राम में। ओम भूरे भूर्वस्व तस्मै तुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूरे भूर्वस्व तस्मै तुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। हरे राम राम राम, 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 हरे राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम राम राम, हरे बोले श्री रामचंद्र भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की।